नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं प्रोफेशनल रिपेयर चैनल मैं आपका अपना दोस्त संजय पांडे तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत जैसे कि दोस्तों जो आज हमारे पास कंप्लेंट है वो कंप्लेंट है कैलविलेटर की टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन की और वॉशिंग मशीन को जब भी कस्टमर ऑन करके स्टार्ट करता है तो उसके अंदर कुछ एयर शो हो रहा है उसके लिए उसने एक रिक्वेस्ट डाल रखी है तो और अभी हम लोग जो है रिक्वेस्ट हमारे पास आई और अभी हमने जब कस्टमर को फ़ोन करके बोला कि आपके वॉशिंग मशीन में क्या प्रॉब्लम है तो उसने वो एरर के बारे में बताया और फिर उसके बाद दूसरा हमने पूछा कि आपकी वॉशिंग मशीन वारंटी है कि वारंटी उसकी ख़त्म हो गई तो कस्टमर ने बोला कि अभी हमारी वॉशिंग मशीन दो है दो साल के अंदर है और उसकी वारंटी है तो हमने बोला कि लगे हाथ एक बार मैं चेक कर लूँ सिस्टम पे भी कि चूँकि उसके कुछ बेसिक पार्ट्स होते हैं वो जो जो हम लेके जाएंगे तो हमारी प्रॉब्लम ऑन द स्पॉट रिजॉल्व हो जाएगी तो कस्टमर ने बोला कि हमारी तो दो साल के जब हमने सिस्टम पर देखा तो उसकी वारंटी जो है दो साल दस दिन हो गए थे और मैं भी ये शौक में था कि दो साल दस ही दिन हुए हैं वो भी दस ही दिन हुए हैं बट बाकी क्या है कि जब वारंटी में नहीं है तो चाहे दो दिन हो चाहे चार दिन वारंटी तो खत्म ही बट जैसे हमने कस्टमर को फ़ोन करके ये बात बताई कि आपकी वारंटी ख़त्म हो गई पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं कि हमारा तो अभी दो साल के अंदर चूँकि विजिटिंग भी चार्ज लगे और पार्ट अगर फेलियर है तो उसका भी चार्ज लगे और वारंटी में अगर रहेगा तो कुछ भी नहीं लगेगा तो उसके लिए फिर कस्टमर ने मानने से मना कर दिया कि हमारे प्रोडक्ट की वारंटी ख़त्म हुई है तो जब ही फिर भी उसने बोला कि आप एक काम करिए आप आके देखिए क्या उसकी प्रॉब्लम है क्या इसे रिजॉल्व करना अगर हमारे बस में रहेगा रिपेयरबल कराने लायक रहेगा तो हम लोग कराएंगे नहीं तो हम लोग मना कर देंगे यही सारी चीज़ें बात हुई बट आ, अभी हम लोग रिसेंटली जो है उस कस्टमर के घर पर जो है पहुँचने ही वाले हैं इधर मैं खड़ा हूँ और इसके पीछे ही जो है वो कस्टमर का घर भी है तो अभी फ़ोन करके एक बार कन्फर्म करेंगे कि अभी अवेलेबल होंगे तो जाके देखेंगे प्रॉब्लम क्या है उसका रूट कॉज डिफेक्ट क्या हो रिपेयर कैसे करने और उसके साथ कितना पेमेंट बनेगा कस्टमर पेमेंट देगा कि नहीं देगा क्योंकि अगर उसकी प्रॉब्लम्स होगी अगर नहीं रहेगा तो पेमेंट तो देना पड़ेगा चूँकि कंपनी को तो पैसा देना ही पड़ेगा तो और एफ हो जाएगी तो चूँकि दस दिन के बाद है अगर एफ अप्रूव हो जाएगी तो भी बहुत अच्छा है हमें क्या हमें तो सिर्फ काम करना है तो अभी चल रहे हैं कस्टमर घर पर और वीडियो में आप बने रहिए और वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए कमेंट करिए शेयर करिए और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपको ऐसे ढेर सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगे चाहे रिपेयर कर रहेगा रहेगा जैसे कि दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कस्टमर के घर पे और ये है सेवन के जी की, की टॉपलोडिंग की मशीन और जैसे की दोस्तों, आपको हमने पहले करेंगे, करेंगे स्टार्ट, और जैसे की दोस्तों का इसका मतलब क्या है कि इस वॉशिंग मशीन के अंदर सच में कोई प्रॉब्लम है प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि ई का एरर जो होता है डोर स्विच का एरर होता है ये जब भी हम लोग इसके कंट्रोल पैनल को ओपन करेंगे तो पीछे की साइड आप देखोगे ऐसे स्क्रूज लगे नॉर्मली क्या होता है कि फ्रंट पे आ, कुछ में रहता है बाकी इसमें क्या पीछे का बैक पैनल पैनल जैसे ही पूरे कंट्रोल को खोलोगे तो उसके बाद ये सेफ्टी के पीछे लगे हुए हैं सेफ्टी कवर इस तरह से इन चारों स्क्रूज को हम लोग ओपन करेंगे ओपन करने के बाद ही हमें पता चलेगा कि इसके अंदर क्या दिक्कत हुई है तो जैसे हमने इसको खोला खोलने के बाद हमें मालूम चलने वाला क्यों ऐसी दिक्कत हो रही नो माय गॉड जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हो कि आपके घर में अगर चूहे हैं तो आपको भी संभलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नहीं तो आपको ऐसी तकलीफ़ों का सामना करना ही पड़ेगा क्योंकि वॉशिंग मशीन तो खराब कर दिया है चूहों ने उसका रीज़न क्या है कि जब भी इसके अंदर चूहे अंदर गया और ये वायर को काट दिया देखना है कि सिर्फ इसका स्विच खराब है या सिर्फ़ वायर ही कटे और इसके साथ या तो मेन पीसीबी भी ख़राब है तो इसको अभी हम लोग पूरा ऐसा ओपन करके ओपन करने के बाद वायर को निकालेंगे और इस पर मल्टी के थ्रू इसकी रजिस्टेंस प्लस इसके आ, इसकी वायर की जो आ, कनेक्टिविटी है वो प्रॉपर है कि नहीं तो ये सब चीज़ें तो नॉर्मल ऐसे मालूम नहीं चलेंगी तो वायर को यहाँ से दोनों जिसमें से आपका ये दो दो चीज़ें एक हमारा जो है डोर डोर स्विच का है और दूसरा जो आपको ये व्हाइट वाला दिख रहा है जब भी हम कभी हमने देखा होगा कि हमारी वॉशिंग मशीन अनबैलेंस होती है उसके बाद एरर देना शुरू कर देती है तो एक तो डोर स्विच है जब भी हम लोग डोर ओपन क्लोज करते हैं उसके लिए दूसरा वाला जो व्हाइट वाला आपको ऐसा डंडा दिख रहा है ये होता है लीबर लीबर जो यूज़ होता है कभी वॉशिंग मशीन अनबैलेंस हुई तो उससे टकराता है तो वॉशिंग मशीन जो है इंडिकेट कर देती है कि आपका अनबैलेंस हो गया तो अभी हम लोग इसको वायर को प्रॉपर निकालेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि वायर एक ही जगह से कटा हुआ है कि और ही और भी जगह से कटा हुआ है और इसके लिए हम लोग इसको एक बार वायर को पूरा कनेक्ट करने के बाद वॉशिंग मशीन को स्टार्ट करेंगे और एक बार इससे पहले मल्टीमीटर क्रॉस सारी चीज़ों को हम लोग इसको चेक कर लेंगे लीवर को भी हमने इसको निकाल लिया और ये दोनों चीज़ को निकाल के हम इसको पहले साइड में रखेंगे साइड में लगा के टेस्ट करेंगे कि प्रॉपर तरीके से इसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई है कि नहीं उसके बाद हम लोग फिक्स करेंगे जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमने इसको जो है मल्टीमीटर के थ्रू जो है एक बार पूरा चेक करके इस तरह से इसको पूरा कंप्लीट कर लिया है और कंप्लीट करने के बाद अभी जो समय आ गया वॉशिंग मशीन को टेस्ट करने का टेस्ट करने के लिए अभी हम इसको फिक्स करेंगे नहीं क्योंकि अगर हम लोग फिक्स कर देंगे तो फिर हमें ओपन करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें करनी पड़ेगी लेकिन अभी हम लोग ये करने के मोड में बिल्कुल भी नहीं है तो इसको अभी हम लोग साइड से साइड पर करके छोड़ेंगे उसके बाद इसको मैनुअली हाथ से जैसे कि अभी हमने इसको फिक्स कर दिया और ये दोनों चीज़ें को सेंसर डोर और ये दोनों को साइड पे रख दिए यहाँ से ऑन किया तो ऑन करते ही देखें कि जैसे कि आपको एरर आ रहा है एरर जो आपको इस पर शो हो रहा है इसका मतलब कि जो डोर प्रेस होना चाहिए लीवर क्लोज होना चाहिए वो क्लोज अभी नहीं हुआ है तो अभी हम लोग इसको यहाँ से इस तरह से करके पहले हम लोग क्लोज करेंगे यहाँ से स्विच को और जैसे कि देख रहे हो दोस्तों हमने इसको क्लोज कर दिया और क्लोज़ करने के बाद जो हमारा एरर है व भी भी फ़िलहाल सो कर रहा है तो बट क्या होता है कि जैसे अभी हमें दोनों चीज़ को एक बार वहाँ पे प्रॉपर फिक्स करना पड़ेगा उसके बाद भी हम लोग इसको चेक करेंगे जहाँ तक कि इसकी जो प्रॉब्लम है मोस्टली मुझे ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम जो है इसकी रिजॉल्व हो गई है क्योंकि वीडियो में लाइव में आपको ये दिखा रहा हूँ कि जो वॉशिंग मशीन के अंदर जो दिक्कत थी वो क्या दिक्कत है और आपके यहाँ मोस्टली जो वॉशिंग मशीन में आती है वही प्रॉब्लम अभी हमने ये दोनों आपका डोर स्विच का प्लस लीवर को दोनों चीज़ को फ़िक्स कर दिया और जो इसकी वायरिंग है उसको हमने प्रॉपर तरीके से कनेक्ट करके इस तरह से फिक्स कर देना इसको कभी आपको लूज़ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है नहीं तो आपको तकलीफ हो सकती है और आपके घर पे अगर चूहे हैं तो आप भी हो जाओ सावधान नहीं तो आप वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलना हो जाएगा बहुत ही मुश्किल और अभी हमने इसको कर दिया है फिक्स और फिक्स करने के बाद अभी इसका समय आ गया है टेस्टिंग का टेस्टिंग करने के बाद अभी टेस्टिंग करने के लिए अभी हम लोग इसके चीज़ों को इस तरह से बंद कर देंगे पूरा फ़िक्स करने के बाद फ़र्स्ट हम लोग ऑन करके एक बार स्टार्ट करके देखेंगे कि अभी ये आपका डिस्प्ले पे वो एरर है कि एरर ख़त्म हो गया जैसे कि हमने ऑन किया नॉर्मल में आप वॉशिंग मशीन स्टार्ट हो गई फिफ्टी फोर मिनट का टाइम ये इस पर शो कर रही है और ये वॉशिंग मशीन जो है लमसम दस या पंद्रह दिन से ऐसे ही दस, दस दस दिन या पाँच दिन ऐसे बीच में कुछ ख़राब चल रही है तो अभी जैसे कि स्टार्ट हो गया और अभी हम लोग इसको एक बार कर देंगे सर्विस भी चूँकि वॉशिंग मशीन काफ़ी टाइम से बंद भी है और इसके पहले भी इसकी कभी सर्विस हुई नहीं है तो आपको हर वीडियो में लमसम आपको ये बताता हूँ कि वॉशिंग मशीन को जो है एक महीने में आपको आपको डिस्किलिंग कर देना है तो अभी इसके लिए हम लोग इस वॉशिंग मशीन को ओपन करके इसके अंदर डिस्किलिंग पाउडर डाल के तब क्लीन साइकिल होगा तो ठीक है नहीं होगा तो नॉर्मल साइकिल पे इसको हम लोग चला के कम्प्लीट करेंगे तो चलिए अभी आगे की प्रोसेस हम लोग करते हैं शुरू अगर आपके घर में भी ऐसी चीज़ है तो आपको चेक करना है प्रॉपर तरीके से एक बार तो हमने वाशिंग मशीन के सारे फंक्शन को क्रॉस करके एक बार चेक कर लेना है उसके बाद हम लोग आगे की प्रक्रिया इसमें शुरू करने वाले हैं जैसे कि पानी होने का प्रेशर भी काफ़ी अच्छा हो गया है तो अभी हम लोग इसको इस तरह से यहाँ पे फिक्स करेंगे और फिक्स करने के बाद अब जो है मशीन का काम शुरू हो चुका है और अभी इसको ख़त्म करने के बाद हमने इसको कर दिया डिस्केलिंग पाउडर डाल के खाली प्रोग्राम को इसको चला दिया जिससे कि कप जो ड्रम के अंदर की गंदगी होगी कुछ पार्टिकल्स होंगे धागे रेसे ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से साफ़ करके निकल जाएगी जिससे कि आप दोबारा कपड़े वॉश करोगे तो आपके कपड़े काफ़ी अच्छे काफ़ी बेहतर इंक्रीमेंट उसमें दिखेगा जो कि इसके पहले आपका नहीं हो रहा था तो इसलिए आपको मशीन को हम लोग बताते हैं कि मशीन को कुछ इसी तरह से अगर आप यूज़ करोगे तो वॉशिंग मशीन की आपकी लाइफ जो है ज़्यादा बेहतर रहेगी बाकी तो आपको ऐसे चूहों का तो ध्यान देना पड़ेगा और अगर आपके भी वॉशिंग मशीन में ऐसा कुछ एरर आता है तो एक बार आपको चेक करने की ज़रूरत है नॉर्मली तो आपको वॉशिंग मशीन नॉर्मल तो आपको वॉशिंग मशीन जो खराब होने का रीजन होता, होता है ज्यादातर लाइट का फ्लक्चुएशन होता है शॉर्ट सर्किट होती है ये सारी चीजें होती है तभी वॉशिंग मशीन खराब होती नहीं तो जल्दी वॉशिंग मशीन खराब नहीं होती सर्विस आपको करना बहुत जरूरी नहीं तो सर्विस आपको वॉशिंग मशीन में एरर तो आएगा ही आएगा उसके साथ साथ वॉशिंग मशीन भी आपकी खराब होगी तो लेंगे नहीं ये सारी समस्याएं आपके साथ लगी रहेंगी और जैसे कि ये वॉशिंग मशीन प्रॉपर प्रॉपरली हो गई है और ये क्लीन का साइकिल जैसे कि एक्टिवेट हुआ है आप देख रहे हो इसके अंदर भरपूर पानी लिया हो एकदम अंदर